Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello dear student. Today we are going to learn factorization of grade 6 exercise 3.4 and page number 33, and today we are going to learn index form of prime factors. Question 1 में हमसे डिमांड किया गया है कि भाई आपने इन क्वेश्चन को जो है ना इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. ओके, यहाँ हमारे पास ये जो नंबर्स है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7. हम यहाँ देखेंगे कि कौन कौन से नंबर यहाँ मौजूद है. यहाँ 2 मौजूद है, ठीक है, और 3 मौजूद है, और 7. ये 7 2 टाइम्स आया है, इसको हम एक बार लिखेंगे. अब हम देखेंगे कि यहाँ पर 1 और 2 जो है ना कितने बार कितने टाइम्स आया है. ये 1 टाइम है, 3 1 टाइम है, 7 कितने बार, 2 टाइम्स, एंड 5 1 टाइम. ओके, नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 2. 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ओके, फिर 5 है, फिर हमारे पास 7 है, और फिर 11 है. 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स, 3 1 टाइम, 5 2 टाइम, 7 2 टाइम, और 11 1 टाइम. तो ये क्या है, ये इंडेक्स फॉर्म हो गया इसका. अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5. यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 नंबर है, 2 है और 5 है. हम देखेंगे कि 2 कितने टाइम्स यहाँ पर आए, 1 2 3 4 5 टाइम्स. 5 कितने टाइम्स आए हैं, 1 2 3 4 5 5 टाइम्स. तो ये हमारे पास हो गया इंडेक्स फॉर्म. हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, एंड विच इज HCF. फाइंडिंग HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने नंबर के HCF मालूम करने हैं. HCF का मतलब है हाइस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर, फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में हमने बात की है, वो आप जानते हैं, ठीक है. पहले हम यहाँ जो है ना फर्दन हर एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 15s are, and 5 3s are, and 3 1s are, ठीक है. 45. Five 9s are, 3 3s are, and 3 1s are. यहाँ पर ना हम 9 1s are 9 नहीं करेंगे, क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं, इसको हम प्राइम नंबर से जो है. तब हम 30 के फैक्टर्स लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और 45 के फैक्टर्स लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3. अब हम इसमें कॉमन देखेंगे कि इसमें कॉमन कौन से फैक्टर जो है ना वो दोनों में आए हैं. तो ये हमारे पास हो गए कॉमन फैक्टर्स. कॉमन फैक्टर्स, ये कॉमन फैक्टर को हम यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कॉमन फैक्टर जो है ये हमारे HCF है. 15 एक ऐसा नंबर है जिसके मल्टीपल में ये नंबर भी आता है और ये नंबर 30 और 45 दोनों 15 के मल्टीपल्स में आते हैं, ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 2, 45, और उसको हमने यहाँ पर अभी फैक्टराइज किया. 5 9s are 3 3s are 9, एंड 3 1s are 3. 108 को हम करेंगे. 2 से 2 5s are 10 2 4s are 8, फिर 2 से 2 2s are 4 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9, and 3 1s are 3. So the 45 factors are 5 multiply 3 multiply 3, and 108. 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3 multiply 3. So the common factor, we have to find out common factors. 3 here, एंड हियर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए कॉमन फैक्टर्स 3 × 3 एंड इट इज HCF। 3 3s are 9, so 9 is a common factor of 45 and 108. Okay, now go to question number 3. 12 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 6s are 2 3s are and 3 1s are 18 का हम करेंगे। 2 9s are 3 3s are and 30 का हम करेंगे। 5 6s are 3 2s are and 2 1s are। 12 का हम फैक्टर्स लिखेंगे 2 multiply 3, 18 का हम लिखेंगे 2 multiply 3 multiply 3, 30 का हम लिखेंगे 5 multiply 3 multiply 2. अब हम इन तीनों में जो है ना हमने कॉमन फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो तीनों में 2 और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स 2 multiply 3 और यही हमारा जो है ना डियर स्टूडेंट, ये था एक्सरसाइज 3.4। अगले एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हम और कुछ सीखेंगे। तो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द में ये जो वबा फैली है उसके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अपने रहम व करम से इस वबा को जो है ना वो ख़त्म करे, गायब करे, ताकि इंसान जो है ना फिर से अपनी ज़िंदगी वो अच्छी तरीके से गुजारे और अल्लाह करे कि हम ऐसी ज़िंदगी गुजारे जिससे अल्लाह ताला वो खुश हो जाए और ऐसे काम हमारे हाथों से सरजद हो जो आखिरत के लिए भी निजात का ज़रिया बने। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।